Hi everyone. So in this video, I'm going to discuss French sociologist Emile Durkheim. और Durkheim बहुत important है क्योंकि Durkheim का जो work है education के ऊपर, academic के ऊपर, वो काफ़ी important होता है. और दूसरा ये भी reason है क्योंकि मैंने पिछले video में एक video बनाया था, एक short reel बनाया था, जिसमें मैंने बोला था कि बिहार has no civic morality. तो उसमें बहुत लोगों को बुरा लग गया था, और जबकि मैंने जेन्युइन कॉज मैंने उसमें बताए. अब अगर किसी को बुरा लग रहा है तो विच मीन्स दैट पर्सन डजेंट वॉन्ट टू बी एजुकेटेड, दैट्स द फर्स्ट थिंग. और दूसरी चीज़ें ये भी हैं कि इनका जो वर्क है मॉरल एजुकेशन, वो हर इंसान को पढ़ना चाहिए, वेदर इट्स फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड या फिर आप ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जो मॉरल एजुकेशन है वो हमारे अंदर मॉरल एथिकल कह सकते हैं कि कल्टिवेट करने के लिए होता है. और इन्होंने जो वर्क, इनका जो वर्क है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि एकेडमिक डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी पे इनका वर्क है. तो इन्होंने किस तरह से मतलब एकेडमिक के अंदर मतलब मोरालिटी और एथिक्स को कल्टिवेट करना है, इनके ऊपर उन्होंने वर्क किया है. तो इन्होंने चाइल्डहुड के ऊपर बेसिकली इन्होंने वर्क किया कि किस तरह से हम बच्चे को एजुकेशन देंगे, किस तरह से हम बच्चे को पढ़ाएंगे ताकि उसके अंदर एक तरह से सोशल नॉर्म्स क्रिएट किया जा सके. तो वो कहते हैं कि दे आर थ्री इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि पॉइंट्स हैं. तो पहला उन्होंने बोला डिसिप्लिन क्रिएट करने की ज़रूरत है. डिसिप्लिन इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग दैट वी नीड टू टीच आवर चिल्ड्रंस. तो डिसिप्लिन जो है वो किसी भी लेवल पे हो सकता है. जैसे स्कूल लेवल पे क्या होता है कि हम बच्चे को बोलते हैं कि समय पे आने के लिए 10 बजे से लेकर 4 बजे तक. अगर टाइमिंग 10 बजे से 11 बजे तक अगर क्लास की है तो हम बच्चे को बोलते हैं 9:45 में आ जाने के लिए, ताकि जब कोई बच्चा समय पे स्कूल आता है, समय पे कॉलेज आता है, तो उसके अंदर ये एक तरह से सिविक डिसिप्लिन आ जाता है, एक सिविक कह सकते हैं कि वैल्यू आ जाता है कि दूसरे के समय की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी मेरे समय की वैल्यू है. तो एक तरह से हमने उसको डिसिप्लिन सिखाया, अच्छे से कपड़े पहनना है, किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से बातें करना है ना, ये सब डिसिप्लिन के अंदर आता है. अब मैं जब कहता हूँ कि बिहार इज़ नो सिविक मोरालिटी, तो मैं इसलिए भी कहता हूँ क्योंकि आई एम एन एजुकेटर और मेरे घर में सारे के सारे लोग एजुकेटर ही हैं. तो हमने देखा है कि यहाँ पे बिहार में खासकर टीचर की कोई वैल्यू नहीं है, ना बच्चे वैल्यू देते हैं, ना आपकी हायर अथॉरिटीज वैल्यू देते हैं, मतलब टीचर की कोई वैल्यू नहीं है, है ना. तो जब आप टीचर बनोगे, जब आप बिहार में एजुकेशन में आओगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो बिहेव करते हैं आपके साथ, है ना. तो दैट्स द फर्स्ट थिंग. दिस इज़ वेयर अगेन आई से बिहार इज़ नो सिविक मोरालिटी. सेकेंड, अब सेकेंड जो चीज़ें हैं वो है अटैचमेंट ऑफ सोशल ग्रुप. अब जो अटैचमेंट ऑफ सोशल ग्रुप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कहता है पहले तो डिसिप्लिन हमें सीखने की ज़रूरत है, फिर हमें किसी सोशल ग्रुप में अटैच्ड होने की ज़रूरत है, ताकि वो एक तरह से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हमारे अंदर बिल्ड किया जा सके. जैसे कि एग्जाम्पल की तो समझते हैं, जब हम किसी सोसाइटी में भाग लेते हैं, अगर समाज में कोई कल्चरल प्रोग्राम हो गया, या फिर अगर हम किसी कॉलेज में किसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो एक तरह से हमें एक ग्रुप में आके चीज़ों को करने में मदद मिलती है, ताकि हम समझ पाए, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को समझ पाएँ, है ना, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाएँ जिसमें कि एक कलेक्टिव गुड की बात हो सके, है ना. फिर तीसरा है सॉलिडारिटी. और ये जो सॉलिडारिटी है वो हमें क्या करता है, ऑटोनोमस एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा जो रैशनल मोडालिटी है उसको बिल्ड करता है, ठीक है. तो ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला हमने देखा डिसिप्लिन, दूसरा हमने देखा अटैचमेंट ऑफ सोशल ग्रुप्स, और तीसरा हमने देखा सॉलिडारिटी, जिसके अंदर ऑटोनॉमी होना चाहिए, सेल्फ ऑटोनॉमी होना चाहिए, मतलब बाय फोर्स हमें कुछ नहीं करना है, बल्कि हमारे अंदर खुद ये सिविक मोरालिटी जगना चाहिए कि ये करना गलत है, ऐसा करना गलत है. जैसे एग्जांपल के थ्रू बिहार का, अगेन मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहार का एग्जांपल दूंगा, चाहे किसी को बुरा लगे, अच्छा लगे. अब बिहार में क्या है कि जैसे मैंने बोला, स्टूडेंट्स टीचर का इज्जत नहीं करते यहाँ पे, मतलब इस तरह से वल्गरिज्म तरह से बातें करेंगे, है ना, जिस तरह से मतलब गुंडा जैसे बातें करता है ना, बिल्कुल उस तरह से बातें करेंगे. तो इसलिए टीचर्स भी होते हैं ना, ज़्यादा बच्चों से मुंह नहीं लगाते यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, पहली चीज़ तो डिसिप्लिन नहीं है उनके अंदर, और तीसरा क्या है, उनके अंदर सॉलिडारिटी आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो तभी बिल्ड होता है जब आपके अंदर डिसिप्लिन बिल्ड होता है, जब आपके अंदर एक सिविक मोरालिटी बिल्ड होता है, ठीक है. नाउ अब वो कहते हैं कि पनिशमेंट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. अब पनिशमेंट जो है, पनिशमेंट ये मॉरल एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी क्योंकि जो पनिशमेंट जब दी जाती है, तो पनिशमेंट से क्या होता है, ये एक मॉरल सिविक अंडरस्टैंडिंग बच्चों के अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर बिल्ड होता है. मतलब उसको पनिश करने के लिए नहीं,
बल्कि उसको ये फील नहीं कराने के लिए कि तुमने बुरा किया, बल्कि ये फील कराने के लिए, उसके अंदर ये चीज़ जगाने के लिए कि ये करना बुरा है, है ना। इस चीज़ को जगाने के लिए पनिशमेंट भी बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू एमिल डर्काइम। और डर्काइम अगेन बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, क्योंकि इन्होंने कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर के साथ एक तरह से प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न सोशल साइंस को बिल्डअप किया था, एक तरह से दिया था, है ना। तो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।